अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो मैं जा रही हूँ अभी, बस रात को निकले थे। किस वजह से निकले थे, किसी काम से नहीं निकले हुए, बस ऐसे ही फेड अप हो गई थी अपनी रूटीन से, स्कूल जाना आना फिर घर को देख देख के, तो बस जस्ट फेड अप हो गई थी। तो फिर थोड़ी देर के लिए हमने सोचा कि चलें बाहर से हो आते हैं। तो अभी मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो बाहर आए थे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम लोग बाहर आए और कोई काम ना करके जाएं। तो फिर छोटा सा काम भी था हमें यहाँ पे, तो हमने सोचा चलो फिर अब आए तो हैं तो वो काम भी कर जाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके साथ ऐलान किया जाता है इस टाइम पे मेरी खाला और मेरी बेबे जान। किधर जा रही हैं आप दोनों? नहीं जा रही हैं आप दोनों? और बस जी इसी तरह से हम लोग जा रहे हैं। आप सोचें एक बंदे को जब ड्राइविंग आती हो ना, तो दूसरा ड्राइवर जितना मर्जी प्रो हो, एक जो होता है ना जो साथ बैठा होता है फ्रंट पे, उसका पाँव साथ बैठे हुए का पाँव ना ऐवें ही ब्रेक पे होता है, तो अपने पाँव को ही थका लेता है बंदा इस तरह से बैठे हुए। जब आजी ड्राइव कर रही होती हैं तो यकीन जाने कि मैं भी बस ऐसे डर ही रही होती हूँ साथ बैठी, हालांकि वो प्रो ड्राइवर हैं, लेकिन फिर भी बस ऐसे ही लगता है कि अब समझ जाएँ क्या अब। अच्छा ठीक है, हम लोग अभी पहुँच गए हैं तकरीबन स्टोर पर। और जो हम कपड़े लेने आए थे वो नहीं खरीदे, क्योंकि बाजी को कोई भी कपड़े पसंद नहीं आए। और असल बात ये थी कि इनके पास जो स्टफ था ना वो थोड़ा मोटे वाला था, तो हमें वो नहीं चाहिए था। तो बस फिर हम लोग वापस आ गए थे स्टोर से। ये तकरीबन शाम का क्लिप है। अहमद को मैं दिखा रही थी कि अहमद के कुछ दिन पहले मैं जूता लेके आई थी, तो अहमद बड़े स्टक हो जाते हैं, जिस चीज़ को वो यूज़ करते हैं ना वो उसी पे ही स्टक हो जाते हैं। तो मैं अहमद से कह रही थी कि मैं आपको ना आपका जूता दिखाती हूँ जो कि बहुत प्यारा सा मैं लेके आई हूँ, लेकिन अहमद बिल्कुल कह रहे थे कि ये तो मुझे पसंद ही नहीं है। सुने ज़रा आप। मुझे क्या पसंद है? मुझे जो मैं लेता हूँ वो पसंद है, मुझे ये वाली चाहिए। अंदर से तो लग रहा है दिल खुश हो गया है। ये बाउंड ये खुलती नहीं है। ये ज्यादा ऊपर नहीं जा, ये नीचे होती है। मैं बहुत सैड रोज कहूँ क्योंकि मुझे ये मुझे जुड़े नहीं होते, इसलिए चले सैड हैं तो अंदर चले। दो तीन और बल्कि है तो थे ये ना, इधर लग जाए ज्यादा बेस्ट है, तो आज हमेशा इधर आते हैं तो बचत हो जाएगी। चलो और ये भी तकरीबन 7 बजे का टाइम है, और मेरा दिल कर रहा था कि कुछ पिया जाए। अहमद ने जूते अपने यहीं पे फेंक दिए। इब्तहाज कमरे का चक्कर लगा के जा चुके हैं, वो क्रीमें चेयर के नीचे पड़ी हुई हैं। और रूम को चाहे सेट भी कर दूं तो इसकी यही कंडीशन हो जाती है, बेडशीट्स चेंज करने वाली हैं, तकिए बच्चों ने अपने हिसाब से रखे हुए हैं, जो उनका दिल करता है इस रूम में आके करते हैं। ये देखें लाइट्स गिराई हुई हैं, हर चीज़ वो अपने हिसाब से करते हैं इस रूम में आके। ये देखिए, ये कोई अलमारी भी खोल के उसको भी चेक कर गए, तो अलमारी को बंद कर देते हैं। और मैं ज़रा ये दराज से एक पैकेज आया था, मैंने कहा ये ज़रा मैं चेक कर लूँ कि पैकेज में क्या है, पैकेज में क्या है वो तो मुझे हैर से पता है। पैकेज में मैंने अपने सोफ़ों के लिए कवर मंगवाया था दराज से, तो वो अभी आई थिंक 4000 समथिंग के ये सोफ़ा कवर्स आए हैं। दराज की हमेशा एक बात याद रखिए कि दराज पे हर तरह का सेलर बैठा हुआ है, फेक भी है उनमें और अच्छे सेलर्स भी हैं,
तो दराज से चीज़ मंगवाने के लिए आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से चीज़ मंगवाएंगे तो आपको फेक चीज़ नहीं मिलेगी। वरना मोस्टली लोगों को ये शिकायत होती है कि उनको फेक चीज़ मिल गई है। तो हेयर मैन 6 सीटर मेरा सोफ़ा, मैंने उसके लिए कवर मंगवाए थे क्योंकि बाज़ार से बनवाने का या ऑर्डर पे बनवाने का मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा था। और सोफ़े जो हैं वो बच्चों ने हद से ज़्यादा गंदे कर दिए। सोफ़े का कलर जो ड्राइंग रूम में है उसका कलर ऑफ वाइट है, बच्चे वहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं तो उस वजह से सोफ़े का जो सोफ़े जो है ना वो बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चले एमरजेंसी में मैं इधर से ही मंगवा लेती हूँ। तो ऑन दी होल जो प्राइस है उसके हिसाब से स्टफ़ भी ठीक है और स्टिचिंग भी ठीक है। अब डाले हुए कैसे लगते हैं सोफ़ों पे, 6 सीटर है, मैं अभी आपको इसका इलास्टिक दिखा देती हूँ कि इलास्टिक किस टाइप का। अच्छी इलास्टिक, बहुत अच्छी इलास्टिक नहीं है, बस मीडियम सी ठीक है। मैंने आपसे कहा ना प्राइस के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। और जो मेरे सोफ़े हैं वो जो मेरे जहेज़ के ये वाले सोफ़े हैं, इन पर पोशिश मैंने दोबारा से करवाई है तो ये काफ़ी बड़े हैं साइज़ में। आम रूटीन में इतने बड़े साइज़ का सोफ़ा नहीं होता, तो जो ये वाले सोफ़े हैं ये काफ़ी ज़्यादा साइज़ में बड़े बड़े हैं। इस वजह से इन पर थोड़ा सा खींच खूँच के मुझे ये कवर पूरा करना पड़ा। और बच्चों का हिसाब यहाँ से लगा लें कि ये इब्तहाज के पाँव बिल्कुल गंदे हैं और वो आके ना तो सोफ़ा पे बैठ के, अब बार बार हम इन चीज़ों के लिए अपने बच्चों को तो नहीं वो कर सकते कि भाई यहाँ ना आओ वहाँ ना जाओ या ये ना करो वो ना करो। तो बस फिर मैंने यही सोचा कि बेहतर बात ये है कि इनके कवर्स ही चेंज कर दिए जाएं। तो अभी हैर सिर्फ सोफ़ों पे कवर डाले हैं, इसके बाद में थोड़ी देर बाद अभी सफाइयाँ चल रही हैं, सफाइयाँ वगैरह हो जाती हैं, घर सारा नीट एंड क्लीन हो जाता है तो फिर मैं आपको ड्राइंग रूम भी दिखाऊँगी। बहुत प्यारे तरीके से इसको सेट किया था और नीट किया था। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, टुडे इज संडे एंड वी हैव डन ईच एंड एवरीथिंग। हम लोग घर जो है वो सारा सेट कर चुके हैं। हाँ बोलो, यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश अदरवाइज आई एम नॉट लिसनिंग यू। मैं जिस 2 सब्जियां मंगवाई थी और मियां ये सारी सब्जियां जो हैं वेजिटेबल्स ले आए। ओके फिर देन इट्स ओके। और यहाँ पे सारा कुछ क्लियर है, यहाँ पर देखो जो कि हम सब ने मिलकर किया है। ओह यस, और मैंने तो बस जो जो मामा ने मुझे इतनी चीजें कही थी और मैंने वो कर दी। क्या क्या किया आपने बताए? एक क्रीम थी और क्या था, कुछ क्रीम्स थी जो कि इब्तहाज ने जमीन पे गिराई थी, अहमद ने वो पैक करके वापस रख दी। यस यस ओके जी, यहाँ पे सारा काम फिनिश है तो हम इसको करते हैं बंद। ये मेरा रूम है जो कि हमेशा डन होने के लिए रह जाता है। खैर ना आ रही हूँ ना, ये फाइनली हमने एक कर्टन भी अपना लगा दिया जो कि बहुत प्यारा लग रहा है क्योंकि आज मौसम बहुत बहुत अच्छा है। ओके जी, नो आई एम बस हम लोग ऐसी ही कुछ आपस में बातें कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये फ्लावर्स जो थे ये पुराने थे, मैंने जो इन फ्लावर्स वाला जो पॉट था उसमें मैंने चेंज कर दिए हैं फ्लावर्स। तो ये वाले जो थे ये मैंने वॉश किए थे, तो फिर इन्हें मैंने सोचा कि ये जो स्टेयर्स में है ना यहाँ पे ये जो स्टिक्स सी हैं इनके अंदर ये फ्लावर्स भी लगा दूँ और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे ना इनमें लगे हुए। तो बाकी आज संडे है, तकरीबन सारे काम फिनिश हो चुके हैं, 3:30 बजे तक सारे काम ख़त्म हो चुके थे। और वेजिटेबल्स जो कि मैं सिर्फ 1-2 मंगवाई थी वो तकरीबन 6 वेजिटेबल्स आ चुकी हैं जिनको अब रखना संभालना कोई कामों में से काम है। लेकिन ये बात किसी को समझ नहीं आएगी, यानी ये बात हस्बैंड्स को समझ नहीं आती, लेडीज़ को समझ आ गई होगी जिन्हें मेरी तरह बेचारियों को संभालना पड़ता है सारा कुछ। तो अभी नीचे चलते हैं, ड्राइंग रूम भी सेट हो गया होगा, फिर मैं आपको दोबारा से ड्राइंग रूम दिखा देती हूँ। ये जो चीज़ें आपको पड़ी नज़र आ रही हैं ना, ये हमारे घर में एक दफ़ा मैं सारा कुछ उठा लेती हूँ फिर दोबारा से कुछ ना कुछ निकल के आ जाता है। उसकी रीज़न मेरा बड़ा बेटा है कि वो उसको आदत है बार बार चीज़ें निकालने की। ओके जी, ये सेट कर दिया, बच्चे यहाँ पर बैठ के पढ़ते हैं तो फिर इस वजह से कारिसा वगैरह से उन्होंने पढ़ना होता है, तो इसलिए इस रूम को दोबारा से सेट कर दिया। बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था तो इसकी अब दोबारा से सेटिंग कर दी है जो कि काफ़ी प्यारी सेटिंग की है।
जिन्होंने सेटिंग की है उनको थैंक यू कि उन्होंने इतना नीट एंड क्लीन कर दिया। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और बस दीन दुनिया आखरत में कामयाबी अता करे। तो बस यहाँ पे मैं ऊपर आ गई थी, अभी मैंने सोचा कि थोड़ा किचन का काम कर लेती हूँ, ये वेजिटेबल्स वगैरह है जो इनको मैं संभाल लेती हूँ वरना ये ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि मटन वगैरह भी और चिकन वगैरह भी सब कुछ अभी धोने वाला है। तो ये मैं डन करके फिर मैं बाहर आ गई थी टेरेस में, और यहाँ पे ये देखे मेरे बेटे ने आधी बोतल फिनाइल की डाली है एक कपड़ी को धोने के लिए। तो बताइएगा आपके घर में भी यही सारा कुछ चलता रहता है या बस मेरे साथ ये सारा कुछ होता है। तो अभी जो हेल्पर है वो जा चुकी हैं, तो मैंने सोचा कि गमले के पीछे में थोड़ी सी डस्ट रह गई थी और पानी भी पौधों को लगने वाला था। मौसम मैंने आपको पहले बताया कि मौसम आज बहुत प्यारा है संडे को, तो फिर मैंने सोचा चलें ये पानी शानी मैं गिरा दूँ और थोड़ा सा जो है ना टेरेस को साफ कर दूँ, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है कि मैं पौधे यहाँ पर, इसलिए मैं सेटिंग नहीं कर रही टेरेस की कि मुझे यहाँ पर पौधे जो है ना वो चेंज करने हैं। तो बस टाइम नहीं मिल रहा है, इंशाल्लाह ताला आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँगी जिससे मैं अपने पौधों को सेट करूँगी। अभी फ़िलहाल तो बस यही दो ग्रीन ग्रीन से गमले रह गए हैं और ये देखेंगे मतलब ये बस काम ख़त्म हो चुका है और ये मैंने दोबारा से काम निकाल लिया अपने लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अभी आप बस मेरे साथ बाहर का मौसम देखें, कितना प्यारा सा मौसम है, ग्रीन मतलब ग्रीन ग्रीन सी और इतनी प्यारी सी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। अपना ख्याल कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।